ये वीडियो मैंने कोई पैसे कमाने के लिए या कोई ऐसी चीज़ के लिए नहीं करा है, एंड आई एम श्योर मैं इस वीडियो को मोनेटाइज भी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इससे इनकम नहीं चाहिए इस पर्टिकुलर वीडियो से। ये मैंने अपनी राइडिंग कम्युनिटी के लिए करा है, एक पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर्स थे। ऑब्वियसली मैं ग्रुप का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि आई डोंट वांट टू पब्लिकली डिफेम एनी राइडिंग ग्रुप और एनी पर्सन इन पर्टिकुलर। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, कल एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ है कि गुरुग्राम में 19 सुपर बाइक्स बंद कर दी गई किसी राइडिंग ग्रुप की। तो उसमें मेरे जैसी एक और GS 850 एडवेंचर की पिक्चर्स थी, तो मेरे को काफ़ी सारे आप लोगों के DMs आए, मैसेजेस आए, WhatsApp भी मेरे दोस्तों के भी आए कि अश्विन भाई आप भी थे क्या, आपकी बाइक भी बंद हो गई। तो उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी देता हूँ आपको, पर उससे पहले मैंने जाना है ऑफिस। ऑफिस में है बहुत सारा काम, और जैसे ही मैं गाड़ी निकालने लगा अपनी तो मैंने देखा मेरी गाड़ी बिल्कुल टेढ़ी खड़ी है। तो दिखाता हूँ अभी टेढ़ी क्यों खड़ी है। तो ये रही भाई मेरी गाड़ी बिल्कुल टेढ़ी, और टेढ़ी इसलिए खड़ी है क्योंकि इसका फ्रंट लेफ्ट टायर हो चुका है बिल्कुल पंचर। दो तीन दिन ही खड़ी रही है गाड़ी, ये वाली गाड़ी ज़्यादा चलाई नहीं, मैं अपनी ऑडी TT ज़्यादा चला रहा था तो ये पंचर हो गई। समझ नहीं आ रहा इसको कैसे करवाएं अभी, या तो किसी पंचर वाले को लेके आएंगे, क्योंकि मैंने इस गाड़ी का जैक निकाल के अपनी दूसरी एंडेवर में रखा हुआ है क्योंकि उसका जैक मिसप्लेस हो गया था। तो अब देखते हैं इसका पंक्चर लगवाएंगे। तो अब ये वाली गाड़ी तो हम अपनी एंडेवर फॉर श्योर लेके जा नहीं सकते, तो दूसरी गाड़ी लेके चलते हैं और आप लोगों से बात करेंगे आगे ऑफिस में। तो भाइयों, हम लेके जाने वाले हैं अपनी दूसरी गाड़ी जो कि है फॉर्च्यूनर। एंड जिन जिन लोगों को नहीं पता या जो मुझे इंस्टा वगैरह पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, कर लो, क्योंकि उन्हें पता होगा यहाँ पर ये मेरा दूसरा गैराज है, मतलब ये दूसरी पार्किंग है एक तरीके से। यहाँ मैं सारी अपनी दूसरी गाड़ियाँ खड़ी करता हूँ। मेरी एक एंडेवर खड़ी होती है मेरे दूसरे वाले घर के बाहर, और ऑडी जो मेरी TT है होती है मेरे अंदर गैराज के अंदर खड़ी। उसके अलावा हमारी एस क्लास खड़ी होती है यहाँ पे, फॉर्च्यूनर इधर, दूसरी वाली एंडेवर यहाँ पर, और फिर स्विफ्ट और दूसरी स्विफ्ट वहाँ पर। तो ये है अपना दूसरी पार्किंग, पहली वाली तो आप सबने देखी हुई है। तो चलते हैं अब ऑफिस। सो गाइज, अब हम लोग आ चुके हैं ऑफिस मेरे, और मैं सारा काम हमने कर लिया है। मैंने सोचा कि अब थोड़ी सी क्लैरिटी देता हूँ। बहुत सारे मैंने आपको बताया था मैसेजेस आ रहे थे, मतलब जो पिक्चर्स रेगुलेट हुई उसमें एक 850 GS भी थी, तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपकी GS है वो। तो मैंने सोचा उस पर क्लैरिटी दे दूँ कि नहीं, वो मेरी GS नहीं थी गाइज, मेरे जैसी दिखने वाली सेम बाइक थी पर वो किसी ग्रुप के मेंबर की थी। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पार्ट ऑफ द सुपर बाइकिंग कम्युनिटी सिंस द लास्ट 10 ईयर्स, मैं चाहता था कि थोड़ी सी क्लैरिटी मिले इस चीज़ पे कि एक्चुअली में हुआ क्या है। एंड मतलब बहुत सारी फेक न्यूज़ भी फैल रही है, आधी अधूरी बातें लोगों को पता है, एग्जैक्टली नहीं पता क्या हुआ था। तो हुआ क्या था कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप के आई थिंक 19-20 राइडर्स गए थे राइड पर गुड़गांव पे, और वो लोग अपना मस्ती मजाक कर रहे थे सारा। एक सेक्टर 53 जहाँ वो स्टारबक्स चायोज है उस एरिया पे वो लोग बैठ के वहाँ पर आराम से खाना वाना खा रहे थे, और कुछ लोग आई गेस वहाँ पर स्टंटिंग कर रहे थे, व्हीलीज कर रहे थे, ये लोग सारे अपना इंजन वगैरह रेव कर रहे थे, बहुत शोर मचा रहे थे, विच आई डोंट थिंक इज अ गुड थिंग अभी लॉकडाउन के टाइम पे। तो एटलीस्ट क्योंकि सिर्फ काम से ही निकलने के लिए सबको बोला गया है, और ऐसे मस्ती मजाक के लिए इतना नहीं निकलना चाहिए। ये लोग जाके वहाँ रेव वगैरह कर रहे थे, सब कर रहे थे। तो फिर इनकी किस्मत खराब थी आई गेस, DCB साहब की गाड़ी वहाँ से निकल रही थी, तो उन्होंने देखा कि क्या शोर मच रहा है उनके एरिया में, एंड उन्होंने आई थिंक दो कॉन्स्टेबल्स को या दो इंस्पेक्टर्स को भेजा वहाँ पर इनसे कि क्लैरिफिकेशन करने के लिए, भाई क्या कर रहे हो यहाँ, क्यों ये सब। तो इन्होंने थोड़ी बहुत बदतमीजी करी उनसे, और थोड़ा बहुत कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ आई गेस, और उसके बाद फिर उन्होंने वापस वायरलेस करा, फिर DCP साहब खुद आए और उन्होंने इन सब की बाइक्स बंद कर दी, इम्पाउंड कर दी। मैंने कल जो स्टोरी डाली थी उसमें भी लोगों ने मेरे से पूछा कि भैया अब क्या होगा, बाइक्स छूटेंगी नहीं छूटेंगी। तो गाइज, इम्पाउंड का मतलब होता है कि आपकी बाइक थाने में बंद रहेगी जब तक आप कोर्ट जाकर उसको नहीं छुड़वाते, और अभी लॉकडाउन वगैरह के चक्कर में कोर्ट्स भी बंद हैं, तो आई डोंट थिंक अभी बाइक काफ़ी लंबे टाइम तक इनकी बाइक्स छूटेंगी, पर कोर्ट में चलान भरने के बाद ही इनकी बाइक्स छूटेंगी। और मैं पहले चाहूँगा आप लोग ये वीडियो देख लो, ये वीडियो है जब वो पुलिस एक्शन ले रही थी इन पर, और उसके बाद ये जो वीडियो है गाइज, ये फर्स्ट हैंड मेरे एक फ्रेंड ने मुझे भेजा है पर्सनली फर्स्ट हैंड, और मैंने तभी ये आप लोगों को दिखाया है, मैंने कल स्टोरी में भी ये डाला था। उसके अलावा ये कुछ मैं फोटोज शेयर करना चाहूँगा, बाइक्स थाने में बंद हैं, मेरे एक बहुत ही खास मित्र हैं वहाँ पर और वो थाने में इंस्पेक्टर हैं,
तो उन्होंने मुझे ये फोटोज भेजी, उन्हें पता है मैं भी बाइकर हूँ, मुझे भी बाइक का शौक है, तो उनका फ़ोन आया कि भाई तेरे जैसी काफ़ी सारी बाइक्स यहाँ बंद हो रखी हैं, तो उन्होंने फ़ोटोज़ भेजी मुझे, तो वो फ़ोटोज़ भी आप लोग अभी इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो भाई अब कितनी गलत बात है भाई, ऐसे लॉकडाउन के टाइम पर राइडिंग ग्रुप्स वगैरह ऐसे ये संडे राइड्स और ये सब भी कर रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे इनको फॉलो करते हैं और इनको एडमायर करते हैं, दे लुक अप टू दीज पीपल, सुपर बाइक ओनर्स को। तो भाई मेरे को लगता है कि मतलब इट वॉजेंट अ गुड थिंग, और पुलिस से आर्ग्यू करना तो भाई कभी भी सही होता ही नहीं है, क्योंकि आपको तो बताइए बाद में नुकसान आप ही का है, पुलिस से कभी आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, और खासकर इस टाइम जब पुलिस वाले खुद इतने इस वक्त परेशान हैं। हम लोग तो आराम से अपने घर बैठे हैं या रिलैक्स कर रहे हैं, जो भी हमने लॉकडाउन सारा आराम से गुजारा घर में बंद होके, पर पुलिस वालों को तो बेचारों को रोड पर मेहनत करनी पड़ी, उसमें भी पब्लिक को घर में रखने के लिए और कितनी चीज़ें उन्होंने करनी पड़ी, वो अपने घर से दूर रहे और उसके अलावा वो रिस्क पर रहे। कोविड का सबसे ज़्यादा रिस्क डॉक्टर्स को और पुलिस को है, एंड आई सीरियसली सल्यूट देम कि जो लॉकडाउन में उन्होंने हमारे लिए रोड्स पर आकर करा है और हॉस्पिटल्स में जाकर करा है, आई सल्यूट देम सीरियसली। उसके अलावा तो इसलिए पुलिस वगैरह से बदतमीजी करना और ये सब करना और व्हीलीज करना पब्लिक रोड्स पे, आई नो गाइज मैंने भी करी है व्हीलीज अपने टाइम पर, मतलब मस्ती मजाक करा है, सब करा है, पर एक हाईवेज पर, मतलब चौड़े हाईवेज, यमुना एक्सप्रेसवे पर, मतलब मैं यमुना एक्सप्रेसवे पर भी गलत है व्हीलियां मारना, पर यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका रिस्क फैक्टर जो होता है ना वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वो बहुत वाइड सड़क है और एक गाड़ी दूसरी गाड़ी आपको बहुत दूर मिलती है, और एक्सप्रेसवे पर पब्लिक रोड पे तो घूमती नहीं, हाईवे पर पब्लिक अलाउड नहीं है उधर, तो आप किसी में डायरेक्ट बाइक अपनी जाके नहीं मार सकते किसी बंदे में, ठीक है। तो पर पब्लिक रोड्स पर गुड़गांव जैसी वो सेक्टर 53 की जो रोड है वो ऐसी है भी नहीं कि वहाँ स्टंटिंग करी जाए, और पता नहीं मतलब क्या उन लोगों के दिमाग में आया, मतलब सब मस्ती मजाक के मूड में होंगे आई एम श्योर, सब मस्ती मौज ले रहे होंगे, तो बस हो गया, और बस किस्मत अच्छी नहीं थी कि डीसीपी साहब वहाँ से निकल पड़े और उन्होंने देख लिया इनको और बंद कर दी गई बाइक्स। अब जहाँ तक बात आती है वो 850 GS की, गाइज वो एक सिमिलर लुकिंग बाइक थी, वो मेरी बाइक नहीं थी, मेरे पास कम से कम 100 DMs और मेरे खुद के दोस्तों के 8-10 दोस्तों के फ़ोन आ गए कि भाई तू गया वहाँ पर, तेरी बाइक बंद हुई है वो। तो गाइज यू नो कि मैं ग्रुप राइड्स अवॉइड ही करता हूँ, मुझे ग्रुप वगैरह का पार्ट समझ ही नहीं आता, क्योंकि जब आप पे कोई मुसीबत आती है एज एन इंडिविजुअल या आप कहीं फंस जाते हो तो ये ग्रुप वाले सबसे पहले भाग जाते हैं। ये मैं किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सो प्लीज़ डोंट टेक इट रॉन्ग। तभी मैं ग्रुप्स वगैरह की राइड्स अवॉइड करता हूँ, मैंने सब करके देख लिया यार, मैंने अलग अलग ग्रुप्स में भी राइड करके देख लिया, अपना ग्रुप बना के भी देख लिया, मैंने सब जगह देख लिया, ग्रुप राइड्स मेरे समझ ही नहीं आई, इसलिए मैं खुद पर्सनली क्या करता हूँ, सेल्फ मारा निकल पड़े, राइड करी मस्ती मारी, या फिर एक दोस्त पकड़ लिया, दो दोस्त पकड़ लिया, या 3-4 दोस्त बस मैक्सिमम, अपना घूम फूम के आए, मस्ती मारी, घर आए और सो गए बढ़िया। तो आई एम श्योर आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी थोड़ी कि भाई हुआ क्या था। ये लोग राइड पर गए, एक पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर्स थे, ऑब्वियसली मैं ग्रुप का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू पब्लिकली डिफेम एनी राइडिंग ग्रुप और एनी पर्सन इन पर्टिकुलर। तो ये लोग राइड पर गए और ये स्टंट्स वगैरह कर रहे थे, व्हीलीज कर रहे थे, रेव कर रहे थे इंजन्स, पुलिस वालों को अच्छा नहीं लगा, डीसीपी साहब को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने इनकी बाइक्स बंद कर दी, इन्होंने आर्ग्यू भी करा उनके साथ, इसलिए इनकी बाइक्स बंद हो गई हैं। मैं एक बार फोटोज़ आप लोगों को दिखा दी मैंने कि थाने में कैसे खड़ी हैं बाइक्स। उसके अलावा गाइस एक और चीज़ सुनने में बहुत ज़्यादा आ रही है, मेरे जो इंस्पेक्टर साहब हैं उन्होंने ही बताया कि इन लोगों को उनकी बाइक्स चलाकर भी थाने तक नहीं लेके जाने दिया गया, इनको आई थिंक 1-1.5 किलोमीटर रेड के अपनी बाइक्स को धक्का लगा लगा के थाने तक पहुंचानी पड़ी। तो मुझे तो ये मानने में मतलब बड़ा ऐसे अजीब सा लग रहा है कि भाई हायाबुसा को 1-1.5 किलोमीटर धक्का देना और भारी भारी बाइक से 1-1.5 किलोमीटर धक्का देना, तो भाई जान निकल गई होगी, तो इट इज़ रियली सैड ऑन दैट पार्ट। ये चीज़ यार बहुत बेइज्जती वाली भी है, पुलिस ने आपको मतलब रिड़वा के आपकी बाइक थाने तक चला के आपको मतलब चलाने भी नहीं दिया, आपकी अपनी बाइक थाने तक रेड के आपको लेके जानी पड़ी, तो ये बहुत ही बेइज्जती वाली बात है मेरे को ऐसा लगता है। मेरे हिसाब से क्या है कि भाई ये राइडिंग ग्रुप्स ऐसे पकड़े जाना और ये सब ना ये सुपर बाइकर्स को एक बैड नेम दे रहे हैं इन पर्टिकुलर, मतलब कुछ लोगों की वजह से एक पूरी कम्युनिटी को जज नहीं किया जा सकता, और अच्छे राइडर्स भी हैं सब, मतलब एक जैसे कैसे बताऊँ मैं, अब जैसे हर कम्युनिटी में अच्छे लोग भी होते हैं बुरे लोग भी होते हैं, और कई भी कभार अच्छे लोग भी बुरे सर्कमस्टेंसेज में पकड़े जाते हैं, जैसा आई एम श्योर इस बार ही हुआ। तो कुछ राइडिंग ग्रुप्स की जैसे सुपर बाइकर्स को एक बहुत बुरा नेम मिल जाता है, बहुत मतलब बदनामी होती है। मैंने कुछ ट्वीट्स भी शेयर करे थे अपने इंस्टाग्राम पे जिसमें मैंने दिखाया कि जनरल पब्लिक कैसे कैसे ट्वीट कर रही थी कि बाइकर्स और ये वो रोड पे ऐसे हुलिगनिज्म कर रहे हैं और मतलब रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, रैश राइडिंग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ट्वीट्स लोगों ने शेयर करे, उसमें सरकार को भी टैग करा, अरविंद केजरीवाल जी को भी टैग करा, मोदी जी को भी टैग करा, ऐसी ऐसी चीज़ें भी हो रही थी।
तो भाई ऐसी चीज़ों से ना जो ग्रुप्स ऐसे पकड़े जाते हैं और इस सबसे सुपर बाइकर्स को एक बुरा नाम मिलता है। कल को मतलब कोई छोटा लड़का है या कोई मेहनत करके अगर कोई अपनी बाइक लेना भी चाहता है सुपर बाइक, कल को उसके घर वाले नहीं लेने देते क्योंकि ऐसे बाइकर्स वो नाम खराब कर देते हैं उस कम्युनिटी का। तो उससे पेरेंट्स भी डर जाते हैं कि भाई अपने लड़के को नहीं लेके देनी, इसने भी ऐसे ही करना है, ठीक है। और मेरा एक मानना है कि ग्रुप में आकर ना एक बंदे का ना एक गलत कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं ग्रुप में हूँ, मेरे साथ 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत गलत फहमी है, ये मतलब हाँ ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। झुंड में आते ही इंसान को लगता है कि बस मैं अनटचेबल हूँ, मैं अनबीटेबल हूँ, ठीक है, मेरा ग्रुप बहुत पावरफुल हो गया है, ऐसा लगता है। ये इंसानों का ह्यूमन नेचर है ये, मतलब इसको कोई नहीं है, इसमें मैं भी इंक्लूडेड होऊंगा, सब लोग इंक्लूडेड होंगे, ये चीज़ गलत है। एक चीज़ ये लोग भूल गए ग्रुप में होने के बावजूद भी कि भाई पुलिस से और लॉ से ऊपर कोई नहीं है कंट्री में और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट द लॉ। मैं नहीं चाहता कि हमारी राइडिंग कम्युनिटी को, इंडिया की राइडिंग कम्युनिटी को, सुपर बाइक राइडिंग कम्युनिटी को बेसिकली एक बुरा नाम मिले। कल को कोई बच्चा कोई बाइक लेना चाहे अपनी मेहनत से भी या उसके पेरेंट्स भी उसको दिलाना चाहे, तो ऐसा ना हो कि इन बाइकर्स की वजह से नाम खराब हो और उनके पेरेंट्स उनको मना कर दें, नहीं भाई अपना पैशन फॉलो मत करो, बाइक मत लो, डेंजरस है, हुलिगनिज्म होता है, ये होता है, वो होता है। दूसरी चीज़ देखो, ऐसा ऐसे पकड़े जाने से बाइकर्स वगैरह जब बार बार पकड़े जाएंगे और ऐसी हरकतें होंगी तो पुलिस वाले भी उनकी एक मेंटालिटी बन जाएगी हमारे अगेंस्ट, समझ रहे हो। जैसे पहले ज़माने में होता था बुलेट जो चला रहा होता था ना उसकी गलत वो बनी होती थी इमेज माइंड में, या फिर RX 100 कोई चला रहा होता था तो उसकी चेन स्नैचर वाली इमेज बनी होती थी पहले, तो हर बैरिकेड पे वो रुकती रुकती थी। तो कल को ऐसा हाल दिल्ली में भी हो जाएगा, ऐसा हाल केरला और बैंगलोर में है ही। अभी मैंने एक वीडियो देखा था उसमें एक केरलाइट या आई थिंक वो बैंगलोर का पर्सन था, उसका एग्जॉस्ट निकाल के पुलिस ने तोड़ दिया, SC प्रोजेक्ट, बेचारे का 70-80 हज़ार का नुकसान भी हो गया। तो आप ऐसे बार बार पकड़े जाओगे, ये चीज़ें होंगी तो फिर ये चीज़ दिल्ली में भी होने लग जाएगी। चलान है अभी एग्जॉस्ट पे मैं मानता हूँ, पर चलान दे के आप छूट सकते हो, आपका एग्जॉस्ट नहीं डैमेज करती, पर धीरे धीरे जब आप पुलिस को तंग करने लग जाओगे ना, इतने बाइकर्स जब तंग करने लग जाएंगे पुलिस को, जब उनकी नाक में दम कर देंगे, तो फिर वो ऐसे एक्शंस लेगी कि आपका एग्जॉस्ट निकाल के तोड़ देना, बाइक्स इंपाउंड कर देना। कल को ऐसे बाइकर्स की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि आप राइड पर निकलो और आपकी बाइक पक्का ही इंपाउंड हो, जैसे US वगैरह में होता है, बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ पुलिस चेसेस और ये वो, राइडर्स नॉर्मल राइड करते हैं, पुलिस आती है उन्हें रोकती है और ज़बरदस्ती उनकी बाइक से इंपाउंड करने लग जाती है। तो वो क्योंकि एक ऐसे स्टंटर्स और बाइकर्स ने ऐसा गलत इमेज बनाया हुआ है पुलिस के दिमाग में ये कि भाई हर राइडर को, हर सुपर बाइकर को रोकना है, इंपाउंड करनी है, ये वो। उसके अलावा भाई ऑल इन ऑल मेरा बस यही पब्लिक सर्विस मैसेज है कि अपनी प्यारी राइडिंग कम्युनिटी को इंडिया की, प्लीज़ स्टॉप फॉलोइंग सच ग्रुप्स, स्टॉप ज्वाइनिंग सच ग्रुप्स, आप दोस्त बनाओ अच्छे सुपर बाइकिंग कम्युनिटी में, लाइक माइंडेड लोगों के साथ राइड्स पर जाओ। ये ग्रुपिज्म वगैरह मुझे पर्सनली नहीं समझ आता, जबकि मेरे बहुत डियर फ्रेंड्स के भी खुद के ग्रुप्स हैं, मैंने भी खुद के ग्रुप्स चलाए हैं। दिस इज माय टेक, मैं नहीं चाहता जो गलतियां मैंने करी वो आप लोग भी करो, अगर आप लोग मेरे को फॉलो कर रहे हो तो मैं नहीं चाहता वो गलतियां आप रिपीट करो। ऐसा नहीं है सारे ग्रुप्स गलत हैं, अच्छे ग्रुप्स भी हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कभी किसी कॉन्ट्रोवर्सी में आते ही नहीं, जिनका कभी कहीं नाम ही नहीं आता, जो कभी कोई गलत काम करते ही नहीं, तो ऐसे ग्रुप ज्वाइन करो। यू शुड नो हाउ टू डिफरेंशिएट कि सही ग्रुप्स कौन से हैं, गलत ग्रुप्स कौन से हैं। आई नो अब एक पर्टिकुलर ग्रुप के बहुत सारे लोगों का मुझे बहुत हेट मिलने वाला है नीचे कमेंट सेक्शन में भी सब कुछ, कोई बात नहीं भाई, अगर आप लोग गलत हो इसीलिए पुलिस ने आपको पकड़ा, मैं गलत नहीं हूँ क्योंकि मेरे को पुलिस ने नहीं पकड़ा, आप लोग गलत थे इसलिए आपको पुलिस ने पकड़ा, आपकी बाइक के थाने में है इस वक्त, मेरी नहीं है। तो यही चीज़ है भाई, जो गलत है पुलिस उसी को पकड़ेगी, सही बंदे को नहीं पकड़ेगी। और अगर मेरे इस वीडियो से किसी को प्रॉब्लम है तो मैं चाहूँगा कि आप वो एक सवाल खुद से पूछो कि आप लोग गलत कर सकते हो और आप बाइकें बंद करवा सकते हो, पर आपका मैं गलत किया वो बता भी नहीं सकता पब्लिक को। मेरे वीडियो को हेट देने से पहले या डिसलाइक करने से पहले एक बार ये सोच लेना कि आप लोग गलत करके पकड़े गए हो, मैं वो गलत बता भी नहीं सकता, अगर मैंने वो गलत बताया तो मैं गलत हो गया। तो ये चीज़ भी अपने थोड़े दिमाग में सोच लेना। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे राइडर्स आप लोगों को फॉलो करते हैं, आप लोग बहुत लोगों के आइडल हो, थोड़ा सा ध्यान रखो आगे जाके। और बस गाइज यही मेरा मैसेज था अपनी राइडिंग कम्युनिटी के लिए। ये वीडियो मैंने कोई पैसे कमाने के लिए या कोई ऐसी चीज़ के लिए नहीं करा है, एंड आई एम श्योर मैं इस वीडियो को मोनेटाइज भी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इससे इनकम नहीं चाहिए इस पर्टिकुलर वीडियो से, ये मैंने अपनी राइडिंग कम्युनिटी के लिए करा है। एंड इस वीडियो को ना लाइक करना ना डिसलाइक करना, मतलब डिसलाइक आपकी मर्जी है, लाइक मत करना, मुझे इस वीडियो से कोई फ़ायदा नहीं चाहिए। मेरे लिए ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ एक ही था, अपनी राइडिंग कम्युनिटी को थोड़ा सा समझाना कि अच्छे ग्रुप्स को फॉलो करो, अच्छे राइडर्स को फॉलो करो जो एक्चुअली में राइड करते हैं। ये परांठा राइडर्स जो 1000 cc की सुपर बाइक्स लेके सेल्फ मार के उसको संडे को जाके किसी ढाबे में परांठा खा के घर आ जाते हैं ना, ये असली राइडर्स नहीं है।
असली राइडर्स आप फॉलो करो जो लॉन्ग राइड्स करते हैं, जो ट्रैक करते हैं, जो राइडिंग कम्युनिटी को आगे लेके जा रहे हैं, ऐसे लोगों को फॉलो करो जिनको पैशन है बाइक्स का, जो बाइक्स मॉडिफाई करते हैं, तैयार करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बाइक्स को आप तक लेके आते हैं, ऐसे लोगों को फॉलो करो ना। जैसे हमारे संदीप गज्जर भैया हैं जिन्होंने XBHP स्टार्ट करा, मतलब ही इज़ एन आइकॉन, तो उनको ऐसे लोगों को फॉलो करो। हमारे विजय भैया हैं राजपुताना कस्टम्स वाले, ऐसे दीज आर पैशनेट बाइकर्स, ऐसे लोगों को फॉलो करो जो एक्चुअली में जिनकी खून में बाइकिंग है, जो शो ऑफ करते हैं उन्हीं परांठा राइडर्स को फॉलो करना बंद करो। आई नो मैं भी कभी कभी परांठा राइडर बन जाता हूँ, मैं भी कभी कभी 1000 cc की बाइक को सेल्फ मारता हूँ और जाके संडे परांठा खा के आता हूँ, जिसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलत बात भी नहीं है। और ये परांठा राइडर्स ये बैड टर्म नहीं है, ये बस एक फनी टर्म है, कोई इसको गलत वे में ना ले, क्योंकि मैं भी ऐसे करता था पहले राइड पे, मतलब स्टार्ट करी संडे राइड पे चले गए। ऑब्वियसली इंडिया में ट्रैक्स मतलब इतने इजीली अवेलेबल नहीं है या फिर बहुत चीप नहीं है कि हर कोई जाके ट्रैक ही कर पाए, और किसी किसी को बस बाइक सेल्फ मार के संडे राइड पे हाईवे पे घूमने में भी मजा आता है, तो विच इज़ फेयर इनफ। तो ये परांठा राइडर्स वाला टर्म बुरा नहीं है, इसको प्लीज़ गलत वे में मत लेना। तो बस यही है भाई अपनी कम्युनिटी के लिए मेरा यही मैसेज था। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।